लोगों, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास दलील रोशन आ चुकी है और हमने कुफ्र और जलालत का अंधेरा दूर करने को तुम्हारी तरफ चमकता हुआ नूर भेज दिया है। बस जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और उसके दीन की रस्सी को मजबूत पकड़े रहे, उनको वो अपनी रहमत और फजल की बहिश्तों में दाखिल करेगा और अपनी तरफ पहुँचने का सीधा रास्ता दिखाएगा। ऐ पैगम्बर, लोग तुमसे कलाला के बारे में हुक्म खुदा दरियाफ्त करते हैं। कह दो कि खुदा कलाला के बारे में ये हुक्म देता है कि अगर कोई ऐसा मर्द मर जाए जिसकी औलाद न हो और न माँ बाप और उसके बहन हो, तो उसको भाई के तरके में से आधा हिस्सा मिलेगा, और अगर बहन मर जाए और उसकी औलाद न हो तो उसके तमाम माल का वारिस भाई होगा, और अगर मरने वाले भाई की दो बहनें हों तो दोनों को भाई के तरके में से दो तिहाई, और अगर भाई और बहन यानी मर्द और औरतें मिले जुले वारिस हों तो मर्द का हिस्सा दो औरतों के हिस्से के बराबर है। ये आकाम अल्लाह तुमसे इसलिए बयान फरमाता है कि भटकते न फिरो, और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है।